तो उसके बाद जब मैं मंदिर परिसर से निकल रहा था तो उस समय मुझे गोली लगी थी। आपको गोली कहाँ पर लगी थी? मेरे जांग में गोली लगी थी यहाँ पे, और पूरा सामने से तो छोटा हॉल है, पीछे में काफी बड़ा हॉल होके पूरा हड्डी वगैरह चूर करते हुए पूरा निकल गया था, और मेरी पैर जो है वो मुड़ गई थी, पूरा टूट गई थी। वहाँ से उठा करके मुझे श्रीराम अस्पताल में पहले ले जाया गया, वहाँ सीरियस कंडीशन होने के कारण मुझे फैजाबाद सदर। जय श्री राम दोस्तों, अभी मैं अयोध्या आ चुका हूँ। मैंने अपनी यात्रा 31 दिसंबर 2023 से मैंने शुरू की थी। मैं रामेश्वरम से चला था, रामेश्वरम से जल लेकर उधर से भगवान श्री राम अयोध्या श्रीलंका जिस रास्ते से होके गए थे उसी रास्ते से मैं रामेश्वरम से वापसी कर रहा हूँ। और अयोध्या आने के बाद, जैसे आज है 21 जनवरी, कल है 22 जनवरी जो कि प्राण प्रतिष्ठा है, यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ गए। वैसे रुकने के लिए तो यहाँ पर टेंटों में जगह है और आश्रमों में भी जगह है, लेकिन अगर आप कहीं रूम लेके रहना चाहते हैं तो आप नहीं रह सकते। आपको पहली चीज़ यहाँ पर रूम मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। अभी जिस रूम में मैं ठहरा हूँ ये देख रहे हैं, ये कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और इस रूम में कुछ नहीं है यहाँ पर, ना इसमें ना शौचालय है, ना इसमें पानी की व्यवस्था है, ना बाथरूम, कुछ नहीं है। केवल एक कमरा केवल मुझे मिला है, ये कमरा केवल मुझे मिला है। ये मिला है 500 रुपये एक दिन का, ये बिस्तर भी नहीं, मुझे एक केवल गद्दा मिल गया, बाकी कंबल तो मेरे पास है, ये सब मैं लेके चल ही रहा था, और कुछ नहीं मिला। एक कमरे छोटा सा है, इसका 500 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। वही है ना कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो लूटने वाले यहाँ जो महंत हैं, जो मंदिर में कब्जा किए हैं, जो इधर उधर जिस जमीन में हूँ बैठा हूँ मैं, ये न्याय विचाराधीन में है, लेकिन इसमें अभी जो यहाँ के महंत जी उठाए हैं वो बोले बच्चा 500 रुपये दिन का पड़ेगा कमरे का। हम कहा चलो ठीक है भाई, मजबूरी ना, महात्मा गांधी, चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको खाने पीने की तो कोई समस्या ही नहीं, जगह जगह पर भंडारे चालू हैं, और जगह जगह पर यहाँ पर टी स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो सभी साधु संत यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। इस तरह आप देखेंगे चाहे जहाँ जाएँ आप, पूरे अयोध्या में आपको नाश्ता पानी खाने पीने की सुविधा आपको मिल जाएगी यहाँ पर जगह जगह पर। पहले दोस्तों मैं जा रहा हूँ सरयू में स्नान करने, सरयू में स्नान करने के बाद उसके बाद मैं अपनी यात्रा शुरू करूंगा। मैं जाऊंगा वहां पर जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं अयोध्या पहली बार आया हूं तो मुझे यहां के बारे में कुछ पता है नहीं, लेकिन दोस्तों ये चीज़ बहुत गलत है। कहीं पर धार्मिक स्थल होता है जैसे फायदा उठाना चाहते हैं, यहां पर अब ये है कि अयोध्या राम मंदिर बन गया, तो यहां पर स्थानीय लोगों को चाहिए कि सही से यहां पर सही से काम करें, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी मदद करें। अब लूट बाजारी ना चालू कर दें कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो यहाँ के स्थानीय लोग लूट बाजारी करना चालू कर दें। ऐसा काशी में भी मैं देखता हूँ, वहाँ पर जहाँ पर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू धर्म में, जहाँ जहाँ पर बड़ा स्थल है वहाँ पर जाएंगे तो आपको चोर बाजारी होने, वहाँ पर एक के बजाय 2 रुपये लेने लगेंगे हर जगह पर आप। अब ये बजाय रूम का ही ले लीजिए, बताइए यहाँ पर रूम आप नॉर्मल रूम लेंगे तो आपको 1500 रुपये का एक रूम मिल रहा है, वो भी कहीं ऐसे नॉर्मल गेस्ट हाउस की तरह कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो इतनी ज़्यादा लूट बाजारी यहाँ पर चालू हो गई है। अभी तक मंदिर के लिए तरस रहे थे, मंदिर भगवान श्री राम का बन गया जो काफ़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर इनको तो लोगों का, बाहर आने वाले लोगों की हेल्प करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग बहुत गलत कर रहे हैं, कुछ लोग बाकी नहीं, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है वैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अयोध्या को बदनाम करने में लगे हैं। बाकी यहाँ पर कार सेवा पूरम पहुँच चुका हूँ। सिया रामचंद्र की जय, जय श्री राम। कार सेवा के द्वारा यहाँ पर लड्डू शोभा यात्रा जहाँ निकाली जा रही है। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। सिक्योरिटी मिलेगी चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पर। एम्बुलेंस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, बाकी दवा पर जगह जगह पर यहाँ पर दवा के लिए भी यहाँ पर बना दिया गया, क्लिनिक निःशुल्क बना दिया गया, स्वास्थ्य केंद्र, उपचार केंद्र, राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र यात्री सेवा। जय जय श्री राम। ये भगवान श्री राम की चरण पादुका यहाँ पर आ गई है, ये भगवान श्री राम के यहाँ पर चरण पादुका यहाँ पर आ चुका है अयोध्या में। आप सभी लोग दर्शन कर लें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों ये चरण पादुका चित्रकूट से चलकर यहाँ पर आया है। चित्रकूट यानी कामतगिरी पर्वत, कामतानाथ भगवान जहाँ पर निवास स्थान है, जहाँ पर राम घाट पर भगवान श्री राम ने स्नान किया था, चित्रकूट से ही ये भगवान श्री राम की चरण पादुका चलकर यहाँ पर अयोध्या पहुँच चुकी है। महाराज जी, इस चरण पादुका के बारे में आप बता दीजिए, कहाँ से आया है, कैसे क्या है इसका, आप कहाँ से इसको लेके आए हैं? ये चरण पादुका है, भगवान श्री राम के चरण पादुका है। भगवान प्रभु रामचंद्र के चरण के ऊपर जो चिन्ह थे वो चिन्ह सब इसके ऊपर अंकित है। जी जी, शंख मणि जो है वो सब उसके ऊपर है। ये जो यात्रा है वो यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और भारत भक्ति संस्थान के जो प्रमुख है बाबा सत्यनारायण मौर्य,
जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बहुमुखी कलाकार है, चित्रकार है, और उन्होंने 1992 में रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे वो नारा सबसे पहले उन्होंने दिया था। उस नारे को सब ब्राह्मण भक्तों में बुलंद किया और जनता तक पहुँचाया। उनके मार्गदर्शन, उनके सहयोग से ये यात्रा चित्रकूट से श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर से नंदीग्राम से आप अयोध्या ही है और इसका समापन इधर है। चित्रकूट जिला था, जब चित्रकूट के बाद में वाल्मीकि आश्रम, राजापुर, उसके बाद में भरद्वाज आश्रम, प्रयागराज, सिंहवेरपुर, उसके बाद में प्रतापगढ़ बेला धाम जहाँ पर भगवान श्री राम वहाँ पर रुककर पूजा किए थे। उसके बाद सुल्तानपुर के रास्ते में अभी यहीं पर पहुंचा हूँ मैं भी। वैसे मैं अपनी यात्रा 31 दिसंबर से लगातार कर रहा। अच्छा अच्छा, भगवान श्री राम जहाँ जहाँ रुकते हुए गए थे उधर में जल लेकर रामेश्वर से मैंने वापसी की, भारत की आखिरी। अच्छा अच्छा, इसमें भी हमारे यहाँ भगवान राम जी का जब राजेश्वर होने वाला था, भरत जी जिस नदियों का जल लाए थे वो सब जल इसमें मिले। अच्छा, इस जो पुटरी में बांधा है उसमें सिंधु नदी का जल है, वह गंगा नदी का जल है, वो भरतकूप का है, सीताकुंड का है, प्रयागराज का है, श्रृंगवेरपुर का है और नंदीग्राम का है, और इसके अलावा जो जल है सब जल इसमें एकत्रित करके उस बड़े कलश में एकत्रित किया। जय श्री राम। जय श्री राम। पर आमंत्रण मिला है, भाई साहब अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम अभय कुमार बरनवाल है। आप कहाँ से आए हैं? आसनसोल वेस्ट बंगाल से आया हूँ। जी जी। 1990 कार सेवा में जब आह्वान हुआ था, जब मुलायम सिंह यहाँ के शासनाध्यक्ष थे जी, उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर परिंदा भी पर मारने नहीं देंगे। हम लोग आसनसोल से बनारस आए थे, बनारस में उतरने के बाद काफ़ी संख्या में सिर्फ पुलिस और पुलिस ही थी जी। वहाँ से नुकते हुए और 350 किलोमीटर पैदल चलकर मैं अयोध्या पहुँचा था जी। 30 अक्टूबर को मैं कार सेवा में शामिल हुआ था और वहाँ पे जो मंदिर परिसर में जो कार सेवा हुई थी और ऊपर में जो चढ़कर गुंबद में जो झंडा लगाया गया था उसमें मैं भी एक व्यक्ति था। उस समय का वीडियो आप देखेंगे और क्लोजअप करके देखेंगे तो मेरी तस्वीर भी आपको नज़र आएगी उसमें। तो उसके बाद जब मैं मंदिर परिसर से निकल रहा था तो उस समय मुझे गोली लगी थी। आपको गोली कहाँ पर लगी थी? मेरे जांग में गोली लगी थी यहाँ पे, और पूरा सामने से तो छोटा होल है, पीछे में काफ़ी बड़ा होल होकर पूरा हड्डी वगैरह चूर करते हुए पूरा निकल गया था और मेरी पैर जो है वो मुड़ गई थी, पूरा टूट गई थी। वहाँ से उठा करके मुझे श्रीराम अस्पताल में पहले ले जाया गया। वहाँ सीरियस कंडीशन होने के कारण मुझे फैजाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहाँ से तुरंत भेजा गया। वहाँ पर मैं 9 तारीख तक था। वहाँ पे सेंस जाने के बाद 3 दिनों के बाद मुझे होश आया, तो होश आने के बाद मेरे पिताजी मेरे सामने थे, उन्होंने शाबाश कहा था, तो मुझे लगा कि वास्तव में मैंने कुछ अच्छा काम किया है अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। तो आपको आमंत्रण मिला तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। शायद 500 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे बड़ी यार कोई बात नहीं। पहले क्या आपको ऐसा विश्वास था, ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे भी बुलाया जाए, ऐसा आपको क्या लग रहा था पहले? देखिए, प्रभु की कृपा जिन पर होगी उनको बुलाया ना जाए, और प्रभु की विशेष कृपा मेरे ऊपर है, तो मुझे तो शुरू से ही आशा था कि मैं उनके राज्याभिषेक में जरूर आऊँगा और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होऊंगा। आपको पहले से पता था कि मुझे अंदर से आवाज आ रही है? अंदर से प्रभु का ही ये था। चलिए ठीक है कि मैं आऊंगा। चलिए ठीक है, बुलाया है। आप भी कमेंट में लिखो जय श्री राम। जय श्री राम। ये कार सेवरपुरम एरिया है, यहाँ पर पूरी एकदम कंटीन, यहाँ पर देखो आर्मी भी यहाँ पर तैनात है, इसी बंद बस्तर के अंदर ये है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन आपको चप्पे चप्पे पर मिल जाएगी। यहाँ पर लोग इंटरव्यू सेशन दे रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल इधर ही हैं, और जो लोग जिनको आमंत्रित किया गया वो भी यहाँ पर आकर लोगों को अपना अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। पूरा एकदम कैंट छावनी में बदल गया है ये। दोस्तों, जब मैं चित्रकूट में गया था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही थी कि भगवान के चरण चिन्ह निशान चित्रकूट से चल दिए हैं, वो यही गाड़ी है। रास्ते में जैसे देख रहे थे प्रतापगढ़ होते हुए यहाँ पर जैसे आगे बढ़ा था, बहुत ज़्यादा भीड़ था इसमें, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग यहाँ पर इसके दर्शन के लिए खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आया अंदर कार सेवकपुरम में, देखा एक घंटा इसका बता रहा है 6 क्विंटल 20 किलो, यानी 620 किलो इसका वजन है, और अब मैं ये सोच रहा हूँ इसको बजाएंगे लोग कैसे। 600 किलो से ज़्यादा ये घंटा है, बताइए इतना बड़ा घंटा है, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ ये। अब मेरे समझने सोच के बाद कोई इसको बजा पाएगा कि नहीं बजा पाएगा, क्योंकि 600 किलो का घंटा इतना बड़ा घंटा है, हम जितना मेरे साइज है उससे बहुत बड़ा घंटा है ये। ऐसी मोटरसाइकिल पल्सर है ये, इसको ऐसा बना दिए हैं ये, शानदार भाई। ये महाराष्ट्र से चल कर आए हैं यहाँ पर, शानदार, कितना अच्छा यहाँ पर बना दिया मोटरसाइकिल से पूरा इसको।
दोस्तों अभी मैं कार सेवकपुरम में था, पूरा भी वीआईपी एरिया, जितना सांसद मंत्री लोग आ रहे हैं इधर ही रुक रहे हैं, जितने साधु संत आ रहे हैं इधर ही रुक रहे हैं। अब इससे निकलने के बाद मैं चल रहा हूँ सरयू नदी की तरफ, स्नान करता हूँ, स्नान करने के बाद खा पी कर मैं आगे की यात्रा स्टार्ट करता हूँ। इधर हाईवे जाएंगे लखनऊ 140 किलोमीटर, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, और इधर गोरखपुर जाएंगे 132 किलोमीटर। ये देखो पूरा चक्कल के लिए पूरा जोरदार तैयारी हो रही है, देश के कोने कोने से फूल आए हैं, तरह तरह की यहाँ पर कलाकृति यहाँ पर दिखाई जा रही है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। लोग चले आ रहे हैं लगातार, ये लगातार देश के कोने कोने से लोग चले आ रहे हैं भाई। संघवाद हो रहा पूरा एकदम, समझ रहे हैं मेला लग गया यहाँ पर। मैं तो जा रहा था, मैं तो सोचा कि उधर ही भीड़ है, इधर तो बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। पूरा अयोध्या यहाँ पर झंडा झंडा, जय श्री राम, शानदार भाई। हाँ हाँ बढ़िया ले लीजिए, हमारा चैनल है महाराज जी, यूट्यूब चलाते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या श्रीलंका जिस रास्ते से गए थे, मैं रामेश्वरम से उधर होते हुए वापसी करके यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत अच्छी बात है, फोटो ले लो मेरा, ले लो एक फोटो ले लें महाराज जी के साथ। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? हम सब कलकत्ता से आए हुए हैं। जाएंगे मंदिर बनने पर आपको कितनी ज्यादा खुशी है? बहुत खुशी है, इतना मैं बोलो जो हम अनमोल जो मोती होता है उससे भी हम क्या बोले, उससे भी मैंने हम क्या बोल सकते तुमको ये बताओ पहले, उससे जितना खुशी है उससे भी ज्यादा कम खुशी है। कलकत्ता में आप किस जिले से आए हैं? हम सब आए हैं कोलकाता से, डायरेक्ट ऊपर कोलकाता है, कोई हावड़ा से, कोई हुगली से, कोई नदिया से, कोई उत्तर चौबीस फरगाना से, ठीक है, यहाँ सब महंत आए हुए हैं। संत महाराज जी आपका कितने किलो होगा अभी? ये संत कम से कम 2.5 से 3 किलो के ज्यादा होंगे, उससे कम नहीं होंगे। ये एक बार बजा सकते हैं? हाँ बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे, संखवाद एक बार हो जाए। जय श्री राम। ये संघ का जो धनी है जी, ये धनी है मंगलमय और कल्याणमय है जी, और इनका आवाज से पूरे विश्व का मंगलमय हो कल्याणमय हो, भारत का तो हो ही रहा है, पूरे विश्व का मंगलमय हो कल्याणमय। जय श्री राम, यही मेरा विनती है, जय श्री राम। बोर्ड भी चल रही, बोर्ड भी सेवा है, जिसको घूमना हो बोर्ड में घूमे आराम से, सारी सेवा है यहाँ पर। दोस्तों मैं सरयू नदी के घाट पर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पर स्नान करने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। कल मैं रात में आया था इसलिए मैं सरयू नदी का स्नान नहीं कर पाया था। मेरा यहाँ आने के बाद पहली प्राथमिकता बनती है कि मैं सरयू नदी का स्नान करूँ, उसके बाद यहाँ की यात्रा मैं चालू करूँ। तो दोपहर के लगभग 1 बज गए, धूप भी निकल आया, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर स्नान करने के लिए। और यहाँ पर बोट सेवा भी लगा दी गई है पर, और यहाँ पर देखा सिक्योरिटी कितने चप्पे चप्पे लगा दिया गया है, यहाँ पर महिला सुरक्षाकर्मी पुरुष सुरक्षाकर्मी सभी यहाँ पर लगे हैं, और यहाँ पर पूरा एकदम छावनी में यहाँ पर पनडुब्बी भी आ गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर सारी चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पानी के अंदर पानी के ऊपर सारी सिक्योरिटी यहाँ पर चेक की जा रही है। तो अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर स्नान करने, स्नान करने के बाद आगे की यात्रा अपनी शुरू करता हूँ। मुझे जो जो लगेगा ये वीडियो आपको दिखाना चाहिए तो मैं वो वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुँचाता रहूँगा। और यहाँ पर ये सरयू नदी तो ऐसा लग रहा है गंगा जी से भी बड़ी हो, यहाँ पर तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा है अयोध्या में सरयू जी की, बहुत दूर में चौड़ाई है यहाँ पर, चौड़ाई मुझे गंगा जी से ज़्यादा सरयू नदी की चौड़ाई लग रही है, यहाँ पर बहुत दूर में इसकी चौड़ाई है।